हेतु तथाकथित पत्रकारों के बहकावे में आकर मेला सचिव व नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने पत्रकारों का जो सम्मान कार्यक्रम था वह नष्ट कर दिया। ये जिसमें करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्च किया जाता है, लेकिन बात अगर पत्रकार के सम्मान की आई तो वहां पर प्रशासन बैकफुट पर नजर आया और नगर मजिस्ट्रेट यानी जो मेला सचिव दीपाली भार्गव जी ने पत्रकार सम्मेलन नष्ट कर दिया। बताना चाहूँगा कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं वह अपनी सदस्यता ग्रहण कर लें, जल्द ही जिला कार्यकारी का गठन किया जाएगा। हमारे देश में एक कहावत की जाती है कि सब्र का फल मीठा होता है, पर यहाँ तो फल ही गायब हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माघ मेला रामनगरिया के पत्रकार सम्मेलन की, जो गुटबाजी की भेंट चढ़ गया और पत्रकारों पर ये कहावत आकर सटीक साबित हो गई कि ना इधर के रहे ना उधर के सनम, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में मां गंगा के घाट पर एक माह तक माघ मेला रामनगरिया चलता रहा और जिसमें मेला समिति के आजीवन सदस्यों ने मेला प्रारंभ होने से पूर्व ही करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद मेला प्रारंभ हुआ और मेला में व्यवस्थाओं को लेकर सैकड़ों आवाजें उठती रहीं। साधु संतों में अव्यवस्थाओं को लेकर रोष बना रहा, कल्पवासियों की व्यवस्थाओं को सैकड़ों खामियां रहीं, चोरी, अवैध धन वसूली, मार्ग अवरुद्ध, मेला प्रांगण में गंदगी, शौचालयों की कमी, बिजली व्यवस्था खराब, सुरक्षा व्यवस्था में भी वॉच टावर तक नहीं लगे। पूरे माह तक भारत के आस्था का रंग भगवा, जिसको लेकर देश के आए दिन तनातनी बनी रहती है, को पूरे एक माह तक जिला प्रशासन द्वारा पैरों से रौंदा गया। ये सब कुछ तथाकथित पत्रकारों ने छुपा कर रखा। कारण था कि मेला में अंत में पत्रकार सम्मेलन में चाटुकारता के सम्मान में शाल उड़ाकर सम्मानित किया जाएगा। जनपद में कुछ तथाकथित पत्रकारों अफसरों के चरण चुंबक चाटुकारिता कर पत्रकारिता कर रहे हैं, इसी कारण जिले के समस्त पत्रकार संदेह के घेरे में। जबकि पत्रकारिता या पत्रकार दोनों ही समाज के प्रतिनिधि होते हैं, जो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को जनता तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, परंतु आज इसका उल्टा है। जैसा कि माघ मेला रामनगरिया में देखने को मिला, पूरे महा मेला रामनगरिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे और करोड़ों रुपए खर्च किए गए, परंतु जब पत्रकारों के सम्मान की बात आई तब मेला में सांस्कृतिक पांडाल सूना पड़ा और पत्रकार सम्मेलन गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। खैर, जल्द ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन जिले की कार्यकारिणी घोषित करने वाली है और उच्च पदाधिकारियों की ओर से इस मामले पर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। जब इस मामले में हमने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आमोद तिवारी से जानकारी ली तब उन्होंने बताया, पत्रकार सम्मेलन था का नष्ट होने का कारण एक तो तथाकथित पत्रकारों के बहकावे में आकर मेला सचिव व नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने पत्रकारों का जो सम्मान कार्यक्रम था वह नष्ट कर दिया। साथ ही बता दें कि जो मेला रामनगरिया एक माह तक पांचाल घाट पर लगा रहा, जिसे मिनी कुंभ कहा जाता है, और फर्रुखाबाद जिले की बात करें तो अपराकाशी कहा जाता है और रामनगरिया मेला पवित्र मेला माना जाता है, जो प्रयागराज के बाद बड़ा मेला गंगा तट पर फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट पर लगता है, जिसकी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की जाती है, जिसमें करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्च किया जाता है, लेकिन बात अगर पत्रकार के सम्मान की आई तो वहां पर प्रशासन बैकफुट पर नजर आया और एक दो पत्रकारों यानी तथाकथित पत्रकारों के बहकावे में आकर नगर मजिस्ट्रेट ने जो पत्रकारों का सम्मेलन था उसे नष्ट कर दिया। बाकी कोई कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ और पत्रकारों के सम्मान की खातिर मेले की अव्यवस्थाओं को पत्रकारों ने उजागर नहीं किया। साथ ही पत्रकार सम्मेलन के जो संयोजक थे, जो वरिष्ठ पत्रकार मान्यता प्राप्त पत्रकार एस के सिंह जी थे, उनके साथ में सभी मान्यता प्राप्त पत्रकार और साथ ही गैर मान्यता प्राप्त
पत्रकार तथा बड़े संस्थानों से लेकर छोटे संस्थानों के पत्रकारों के सहयोग और साथ में खड़े थे। लेकिन क्या कारण रहा कि नगर मजिस्ट्रेट यानी जो मेला सचिव दीपाली भार्गव जी ने पत्रकार सम्मेलन नष्ट कर दिया। इस मामले पर मेरी उनसे बात भी बैठकर हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे तो इसलिए इसे नष्ट कर दिया। तो कह सकते हैं कि एक दो तथाकथित पत्रकारों के बहकावे में आकर नगर मजिस्ट्रेट ने जो पत्रकार सम्मेलन था उसे नष्ट कर दिया। रामनगरिया का जो पत्रकार सम्मेलन है वो भी फर्रुखाबाद जनपद में अपने आप में ख्याति रखता है, जिसकी खातिर पत्रकार लगातार मेला रामनगरिया को एक महीने तक बड़ा कवरेज देते हैं। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मेले को दिखाता है, जिसकी ख्याति फर्रुखाबाद जनपद समेत प्रदेश और देश में भी है, जिसकी एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई कि फर्रुखाबाद में मेला रामनगरिया लगता है। यह कार्यक्रम नष्ट होने से पत्रकारों में निराशा है और इस तरीके की जो इस बार जो घटना घटी है, पत्रकार सम्मेलन नष्ट हुआ है, ये घटित नहीं होना चाहिए था, यानी पत्रकार सम्मेलन नष्ट नहीं होना चाहिए था। मैं जिला प्रशासन से मांग करूँगा कि पत्रकार यानी देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इनकी जो मान सम्मान है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए और पत्रकारों का सम्मान हमेशा बरकरार रहे। साथ ही बताना चाहूँगा कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं वह अपनी सदस्यता ग्रहण कर लें, जल्द ही जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।